वृक्षारोपण एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि वृक्षारोपण के लिए सभी विभाग अपने लक्ष्य के अनुरूप पौधों का उठान तथा अगस्त तक अनिवार्य रूप से कर लें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि सभी लोग 9 अगस्त की वृक्षारोपण की सूचना प्रत्येक घंटे पर अनिवार्य रूप से देंगे। बैठक में DFO अविनाश कुमार ने बताया कि जनपद में कुल 45,15,151 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा 35,15,151 पौधे लगाए जाएंगे तथा 10 लाख पौधे वन विभाग द्वारा लगाया जाएगा। बैठक में SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन मैन पावर और सर वो संसाधन इसमें गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप के डॉक्टर सिराज वली जी और पर्यावरण मंच के अचिन तिलाड़ी जी, ये दो लोग के प्रतिनिधि और समस्त सिटी गैस नेटवर्क के प्रतिनिधि, ये दोनों लोग भी रहेंगे, इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे जो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अभी 25 विभाग के नाम एक बार पढ़ लीजिए, विभाग सब लगभग कोई विभाग हम समझते हैं 2-4 विभाग छोटे सब लोग आएंगे, कार्यकारी अधिकारी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नामित अधिकारी सदस्य, अपर जिलाधिकारी पब्लिक प्रभारी स्थानीय निकाय सदस्य, जिला पूर्ति अधिकारी सदस्य, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सदस्य, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सदस्य, जिला पंचायत कार्यकारी सदस्य, जिला कृषि अधिकारी सदस्य, जिला उद्यान अधिकारी सदस्य, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सदस्य, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य एवं गैस कंपनी के प्रतिनिधि सदस्य, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य, जिलाधिकारी और कार्य करने वाले अधिकतम दो पंजीकृत गैर सरकारी सदस्य एवं शिक्षण संस्थाएँ आर्थिक विशेषज्ञ आदि, जिला वन अधिकारी आर्थिक प्रभारी निरीक्षक सामाजिक वानिकी सदस्य संयोजक हो। और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मतलब कंसल्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली भी मतलब टॉपिक डाउन कर लेंगे कि कैसे इसको गाइड करना है। फिलहाल से बड़ी सिस्टम चले तो सही, देखना क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है।